आदर्श नवजीवन और संजीवनी के बाद अब 151 सोसाइटी SOG की जांच के घेरे में, बड़े खुलासे की तैयारी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श क्रेडिट निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास निकल कर आई है, दैनिक भास्कर से है, 17 जनवरी 2020 की लेटेस्ट न्यूज़। पूरी खबर क्या है, आइए देखते हैं। जयपुर कानून के शिकंजे में फंसी आदर्श नवजीवन व संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इनका 16,000 करोड़ का फ्रॉड, जो राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में फैले फर्जीवाड़े का एक छोटा सा हिस्सा भर है। इन तीन सोसाइटियों के फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद अब SOG ने 151 अन्य मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी की भी जांच शुरू की है। ये सभी सोसाइटियाँ ऐसी हैं कि या तो इनके मुख्यालय राजस्थान में है या मुख्यालय किसी और प्रदेश में है। अगर ये राजस्थान में ही काम कर रही हैं, हमने उन 151 क्रेडिट सोसाइटी की सूची जांची जिसके खिलाफ अभी जांच जारी है। इनमें से 67 सोसाइटियाँ के मुख्यालय तो राजस्थान में ही है, जबकि इसके बाद सबसे ज़्यादा 21 महाराष्ट्र और 20 उत्तर प्रदेश में क्रेडिट सोसाइटी जांच के दायरे में है। राजस्थान में भी जांच के दायरे में सबसे ज़्यादा क्रेडिट सोसाइटियां जयपुर और सिरोही की हैं। लगातार क्रेडिट सोसाइटी ग्रामीण इलाकों या Tier 3 के शहरों को निशाना बना रही हैं। इन क्रेडिट सोसाइटियों में से 67 राजस्थान की रडार पर आई क्रेडिट सोसाइटियों में से 67 मुख्यालय राजस्थान में ही हैं, 12 मुख्यालय जयपुर में और 12 सोसाइटी के मुख्यालय सिरोही में है। इन दोनों शहरों के बाद सबसे ज़्यादा 10 क्रेडिट सोसाइटियां जोधपुर शहर की हैं, जिसकी जांच हो रही है। उदयपुर व अजमेर में 4-4, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और भरतपुर की 3-3 तथा गंगानगर, कोटा, हनुमान और जैलमेर में 2-2 क्रेडिट सोसाइटी SOG के रडार पर है। इसके अलावा बीकानेर, झाड़वाला, चित्तौड़, पाली, बाड़मेर, जोलपुर और अलवर की एक एक क्रेडिट सोसाइटी जांच के दायरे में है। फारियोन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी है जिसके मुख्यालय का पता राजस्थान में है, मगर शहर नहीं दिया गया है। ज़्यादातर क्रेडिट सोसाइटी का निशाना ग्रामीण जनता व Tier 3 के शहर पर है। जांच के रडार में आई क्रेडिट सोसाइटियों की सूची बताई जा रही है कि पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात और क्रेडिट सोसाइटी भी राजस्थान में अपना जाल फैला रही हैं। सोसाइटियों का निशाना या तो ग्रामीण इलाके हैं या फिर Tier 3 के शहर। ज़्यादातर क्रेडिट सोसाइटियों के नाम जो भी एग्रो या एग्रीकल्चर सब शुरू ज़रूर जुड़ा हुआ है, मिलिए इन टीम से, जिसकी वजह से सामने आया राजस्थान का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। 7 माह पहले गहलोत सरकार ने SOG को सीनियर फ्रॉड सत्यपाल मिठा को इस यूनिट ने सोसाइटियों के घोटाले की जांच करके पूरा मामला खोला। टीम में इंस्पेक्टर विष्णु, हैंड कांस्टेबल संगीत, किशन वीर, कांस्टेबल सूरज, महेश गणेश, भूरी सिंह को शामिल किया गया। इस सोसाइटी के रडार पर 151 क्रेडिट सोसाइटियां हमारे रडार पर हैं। हम एक एक सोसाइटी को खंगाल रहे हैं। सोसाइटी राजस्थान में रजिस्टर्ड है या नहीं, उनका कार्य क्षेत्र है। सत्यपाल मिट्टा SOG की अपराध शाखा के प्रमुख हैं। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है, और ख़बर अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, ये जो न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं, ये एक दैनिक भास्कर अखबार के द्वारा आई है, जो कि एक रेडीमेड न्यूज़ कही जा सकती है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो मीडिया में न्यूज़ आ रही हैं वो कुछ सत्य से परे हटकर हैं, जो निवेशकों के हितों में नहीं दिखाई आती है। केवल जाँच ही पर ये सब अभी आधारित है, लेकिन निवेशकों के पैसे देने का कहीं से कहीं तक कोई यहाँ पर खुलासा नहीं किया गया। अभी केवल जांच चल रही है। इस तरीके से जांच चलेगी तो बहुत लंबा पीरियड निवेशकों का पैसा मिलने में लग जाएगा। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।